नमस्कार, सीएमए न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। फरीदाबाद में हाथ पैर तोड़कर वीडियो वायरल करने वाले फ्रैक्चर गैंग के सरगना सहित 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी हाथ पैर तोड़कर वीडियो को लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से वायरल कर देते थे। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अंग्रेजी रिवॉल्वर सहित 6 अवैध हथियार और लगभग 2 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। 3 लोगों क्या है पूरी वारदात? कल हमारी क्राइम ब्रांच 85 की टीम को सूचना मिली थी, तो ये लोग गश्त में थे, तो भुपानी मोड़ के ऊपर नचोली गांव के पास में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक कुलभूषण है, दीपक है और अंकित, और तीनों के पास है 6 इलीगल वेपन्स और काफ़ी मात्रा के अंदर इलीगल वो कारतूस बरामद हुए। किस तरह की वारदातों का अंजाम दिया है इन्होंने अब तक? देखिए, ये कुलभूषण जो है उर्फ कुल्लू, ये फ्रैक्चर गैंग के नाम से फेमस है, ये उसका मेन मास्टरमाइंड है। ये जो विक्टिम होता है उसको हाथ पैर तोड़ते हैं, उसकी वीडियो बनाकर बाद में वायरल करते हैं। इन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और मूल रूप से ये कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, जो कुलभूषण है ये नचोली गांव से बिलोंग करता है और इसके ऊपर टोटल 9 केसेज हैं। और जो दीपक है वो शाहबाद से बिलोंग करता है, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से, और उसके ऊपर टोटल 4 केसेज हैं। और अंकित के ऊपर कुल 3 केसेज हैं। अब तक कितनी आप वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुलभूषण के ऊपर टोटल 9 केसेज अभी तक है। ये तीनों साथी हैं, तीनों मिलकर? तीनों साथी, इसमें कुछ वारदातें हैं जो इन्होंने साथ की हुई। किस तरह की वारदात करते हैं जी? ये हाथ पैर तोड़ते हैं लोगों के, हाथ और पैर तोड़ के, और उसके बाद उसकी वीडियो बनाते हैं तोड़ते हुए, और उस वीडियो को फिर वायरल करते हैं। ऐसे लोगों में दहशत फैल सकती है। ऐसा क्यों करते हैं? इनका पर्पज बेसिकली दहशत फैलाना है एरिया के अंदर। किसको टारगेट करते थे ये? जिसके हाथ पैर तोड़ते थे, कोई दुश्मनी होती थी या फिर किसी की पैसे लेके सुपारी लेके तोड़ते थे? नहीं, अभी तक सुपारी वाला कोई मामला सामने नहीं आया है, बाकी अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर कुछ आता है तो आपको अगर इसका कोई वायरल वीडियो जो आपके हाथ लगा हो, कोई हाथ पैर तोड़ते हुए वीडियो, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक वीडियो है अभी जो हमारे क्राइम ब्रांच के पास में है। अगर पूछताछ में पता लगा हो हाथ पैर तोड़ के जो लूट करते थे उस पैसों को करते क्या थे? नहीं, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, चीजें उसके बारे में अभी ज्यादा क्या। इन्होंने वारदात को फरीदाबाद में अंजाम दिया है, पलवल या और भी कहीं? फरीदाबाद के अंदर मिल गया सारी बात। फरीदाबाद सारी वारदात अभी फरीदाबाद। इस मामले में अरेस्ट किया गया है इसका अभी तो इनके ऊपर दिनों को आरम जट के अंदर भी अरेस्ट किया गया है, और आज इनको एक सूरज कुंड का एक मैटर है जिसके अंदर 379 बीबी लगी हुई है, उसके अंदर उनका रिमांड लिया जाएगा। पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, अभी फर्दर रिमांड लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या क्या बरामद है सर? ये हथियार मिले हैं तो इसका कोई वजह तो होगा कि हथियार खुलेआम लेके घूम रहे थे। कहाँ से लाते थे? वो मैंने आपको बताया कि अभी हमने इनको कल पकड़ा है और आज इनका रिमांड लेके इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर फिलहाल क्या क्या पकड़ा है इनसे? इनसे 6 इलीगल वेपन्स बरामद हुए हैं और करीब 22-23 राउंड बरामद हुए हैं। इसमें अलग अलग मार्का के हैं, पिस्टल भी है, रिवॉल्वर भी है। कोई बड़ा मोटो रहा इनका आगे किसी को वो इनको रिमांड में लेके ही हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन। कितनी पढ़ाई कर रखी है इन्होंने?